नीमच शहर में आज चारों ओर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम मची हुई है, जिसके चलते आज शाम को नीमच कैंट में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर स्थानीय शंभु व्यायाम शाला सत्यनारायण मंदिर परिसर में एक भव्य चल समारोह निकाला गया, जिसमें चंद्रवंशी ग्वाला समाज से छावनी के सैकड़ों लोग शामिल हुए। सभी समाजजन अपने आराध्य देव नटखट मदन गोपाल के रंग में रंगे, महिला पुरुष बच्चे युवा और बुजुर्ग जुलूस में सम्मिलित थे। सभी कृष्ण भक्ति के रस में मगन होकर चल रहे थे। भगवान कन्हैया के जन्मोत्सव के अवसर पर ये विशाल चल समारोह शंकर मिल चौराहा, नाथूलाल धर्मशाला, कुम्हारा गली, जाजू बिल्डिंग, ज्ञान मंदिर चौराहा, गार्डन स्कूल, शंकर मिल चौराहा होते हुए दोबारा सत्यनारायण मंदिर परिसर में समाप्त हुआ। वहीं चल समारोह का कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जुलूस में खासकर डीजे की धुन पर महिलाएं और युवतियां नृत्य करती हुई चल रही थी। वहीं पुरुष भी जमकर डांडिया खेल रहे थे। वहीं इस विशाल चल समारोह में भगवान श्री कृष्ण की बग्घी में झांकियां सजा रखी थी, जो सबका मन मोह रही थी। वहीं जुलूस में जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर महिला बच्चे वगैरह बुजुर्ग वगैरह सबों ने भाग लिया है इसमें, और अच्छी तरह से ये जन्माष्टमी मनाई जाती है। ये श्री कृष्ण पर्व हम बड़े उल्लास उत्साह के साथ मनाते हैं। ये पर हमारा श्री सत्ता की राधा कृष्ण मंदिर से लेके मोर बाजार बरेली घूमता हुआ और वापिस चौराहे पर आएगा, ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और ये हमारा देवराज्य का स्थान है। अष्टमी का त्यौहार है, बड़ा धूमधाम से बड़े खुशो उल्लास से मनाया जाता है। हम इस त्यौहार को महत्वपूर्ण से मनाते हैं और बहुत खुशी होती है। इस त्यौहार में हमारा ग्वाला समाज, चंद्रवंशी ग्वाला समाज, पूरा शहर इस ग्वाला समाज में इसको अच्छा महत्वपूर्वक मनाया जाता है। यह हमारा आराध्य देव श्री कृष्ण जी का जन्मदिन महिला बच्चे पुरुष पूरा समाज एकजुट होकर निकालता। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।